नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको लौकी का कोफ्ता बनाऊंगी जो चीज में बना हुआ है। इसके अंदर की फीलिंग चीज और ड्राई फ्रूट्स होंगे। जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है, एक बड़े चम्मच मखाने या मगज के बीज, जो भी आप चाहें, मैंने मगज के बीज लिए हैं। आधा टीस्पून आप लीजिए काली मिर्च, इसमें दालचीनी थोड़ी सी है और सारे मसाले, जिसमें थोड़ा धनिया, जीरा, सौंफ, इलायची, सब चीज़ें हैं जो सब्जी मसाला में यूज़ होता है, मैंने एक बड़े चम्मच लिया है। ये हमारा सिसमी सीड एक बड़े चम्मच, स्टार, थोड़ी सी जावित्री और एक 2 इंच लंबी दालचीनी। हमारा खसखस है, ये सफ़ेद वाला खसखस है, ब्लैक खसखस भी आता है। 1 टेबल स्पून जीरा है, आप इसके सौंफ भी ले लीजिए, थोड़ी सी मिठास फ्लेवर। ये 10-12 मेरे काजू हैं, जिसमें से मैं 4-5 रखूंगी फिलिंग के लिए और 6-7 पीसूंगी। मैंने ली है थोड़ी किशमिश, जिसे मैं पीसूंगी और थोड़ा सा मैं फिलिंग के लिए रखूंगी। ये मैंने लिया है कसूरी मेथी, ये मूंगफली मैंने लिया है, मैं जिसे रोस्ट करूंगी। रोस्ट करने के बाद हल्का सा रोस्ट करके फिर मैं सारे मसालों के साथ इसे ग्रेवी में पीसूंगी। मैंने अपनी लौकी को ब्लांच कर लिया है अच्छे से कुकर में और उसके बाद उसका पानी निकाल। ये है हमारी लौकी जिसको मैंने पानी निकाल कर रखा है, 1/2 kg मैंने बॉईल कर लिया थी। ये हमारा है निकला हुआ पानी, ये आप सब्जी में यूज कर सकते हैं। इस छन्नी से मैंने छान कर पानी निकाल दिया और फिर दबा दबा कर अच्छे से एकदम ड्राई कर लिया इसे। मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैंने जो रोस्टेड चना दाल कचौड़ी मिक्स था वो लिया है। आप इस मेरे कचौड़ी मिक्स में मूंगफली कचौड़ी मिक्स, मूंग दाल कचौड़ी मिक्स कोई भी ले सकते हैं, उड़द दाल कचौड़ी मिक्स, हर फ्लेवर आपके सादे बेसन से काफ़ी टेस्टी होगा क्योंकि वो रोस्टेड फ्लेवर्स हैं सर। इसमें से आधा मैं यूज़ करूँगी इसके साथ बाइंड करने के लिए, आधा मैं रखूंगी जो मैं कोफ्ते को रोल करूंगी। अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े तो हम एक्स्ट्रा लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी मिक्सिंग। पहले हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारे प्रीमिक्स में भी नमक है, इसलिए हम कम नमक का यूज करेंगे। मैं इसमें डालूंगी थोड़े से हमारे ड्राई जिंजर पाउडर, इलायची वगैरह के पाउडर सब मिक्स हैं, ये थोड़े से टेस्ट को इन्हेंस करेगा। और इसमें थोड़ी सी हम पैटीज बनाएं या कोफ्ते बनाएं तो हमें इसे डालना पड़ेगा, थोड़ी कसूरी मेथी, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए, फिर हम ऐड करेंगे अपनी लौकी को और अच्छे से मैश करके इसका पूरा डो बना लेंगे बढ़िया। इसे तब तक मैश करते रहेंगे जब तक अच्छे से इसका डो ना बन जाए। कोफ्ते के लिए मैंने मैश करके रख दिया था, अब मैं इसमें चीज देखिए लिया है, इसको मैं स्टफ करने के लिए ड्राई फ्रूट से कवर कर दूंगी इसे पूरा और फिर हम अपने एक एक कोफ्ते में से फिल करेंगे। ऐसे बनाएंगे कोफ्ता और धीमे से इसका स्पेस बनाएंगे। इसमें मैंने जो अपनी धनिया की मोटी डंडी थी सेलरीज उसको काट के डाल दिया है। ये है और इसे हम कवर कर देंगे पूरी तरह ताकि हमारे चीज बाहर ना आए। इसी तरह हम सारे
राउंडल्स अपने कोफ्ते के बना लेंगे। आप इस शेप में भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, वो जैसा आपको पसंद हो। इस तरह धीमे धीमे हम सारे अपने कोफ्ते बना लेंगे, फिर हम उसे फ्राई करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा। इसमें फिर हम प्रोसेस चीज डाल दे रहे हैं, उस पे हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दे रहे हैं और हम इसे कवर कर देंगे पूरी तरह, जिस तरह हम पराठे के डो से को कवर करते हैं से पूरी चीज को। इसे डो समझ लीजिए, अंदर की फीलिंग समझिए, आलू पराठे वगैरह जैसे बनाते हैं। देखिए ये राउंड करके ऐसे धीमे धीमे हमें सारे कोफ्ते अपने बना लेने हैं। बनाने के बाद हम इसे कोट करेंगे अरारोट में या कॉर्नफ्लोर में। हम अपने तवे को गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इस फ्राई पैन में हम अपने ऑयल डालेंगे। मैंने अपने सारे कोफ्तों को तैयार कर लिया है और मैं अब इसे घुमा फिरा के कोट कर लूंगी। एक्स्ट्रा कोटेड आटे को हम जो कॉर्नफ्लोर है उसे गिरा देंगे। देखिए इस तरह मिक्स करके हम तैयार कर लेंगे और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम इसमें डालना। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। धीमे धीमे इसे डालिए और तलिए अपने। कॉर्नफ्लोर लगाने पे ये टूटेगा नहीं और इसके अंदर जो चीज और मैंने ड्राई फ्रूट्स स्टफ किए हैं वो बाहर नहीं निकलेगी। और हम फटाफट इसे बना लेंगे। उसे 5 से 6 मिनट धीमी आंच में तलिएगा गोल्डन ब्राउन। हम अपने सारे कोफ्ते अब धीमे धीमे निकाल लेंगे बाहर और गैस ऑफ कर दे रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है। एक्स्ट्रा तेल मैंने कोफ्ते का बाहर निकाल दिया था। मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज और 6 कलियां लहसुन की। प्याज थोड़ी कम मात्रा में डाल रही हूँ क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स और मगज वगैरह के मसाले यूज कर रहे हैं, थोड़े थिक होंगे। मैं हम 2 से 3 मिनट भुनने देंगे। टमाटर की हम स्लाइसेस यूज करेंगे, काट के कटिंग, और अपने जिंजर भी मैंने उसमें पेस्ट कर लिया है। सब मसालों में हम अलग से कटिंग्स नहीं डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन होगा या हल्का गुलाबी होगा तब तक भूनेंगे, उसके बाद हम ग्रेवी ऐड करेंगे। हमारी गुलाबी हो गई, हमने ग्रेवी डाल दिया है और हम इस ग्रेवी में अब ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी। नमक और हल्दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी बाद में डालेंगे हम। हल्दी डाल दें, नमक डाल दें ताकि ये इसे तब तक हम भूनेंगे जब तक ये पानी इसका एकदम जल ना जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने जो बॉयल करके निकाला था पानी उसे यूज करेंगे लौकी के कोफ्ते बनाते समय। वेजिटेबल स्टॉक्स जो थे हम इसे चलाते हुए धीमे धीमे भूनेंगे जब तक पूरा पानी जल के हमारा ऑयल ऊपर ना जाए। ये भी 6-7-8 मिनट लग जाएंगे, 6-7 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जब
हमारा मसाला सूख चुका है, मैंने ऐड कर दिया है टमाटर, क्योंकि टमाटर मैंने मसाले में नहीं पीसा था, और थोड़ी सी मैंने जूलियंस में ग्रीन मिर्चें डाल दी हैं, और मैंने जूलियंस में ही काट रखा है अपनी थोड़ी सी अदरक के पतले जूलियंस, वैसे मैंने पीसा तो है अपने मसाले में पर काटा भी है। अब जब टमाटर गल जाएगा तब हम ग्रेवी बनाएंगे। मैंने नमक डाल दिया है इस पे और अपना मसाला पानी छोड़ने लगा। अब इसे फिर हम अच्छे से भूनेंगे, जब टमाटर गल जाएगा तब फिर ग्रेवी के लिए मिलाएंगे। हमारा मसाला ग्रेवी का तैयार हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा पानी था, मैंने निकाल रखा है, उसे हम डालेंगे। इसे धीमे धीमे हम मिला लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से अपने जूलियंस जो कटे हुए हैं शिमला मिर्च के, और थोड़ी मैंने सेलरी रखी है अपनी, उसे डाल देंगे। ये है हमारे जूलियंस, और सर्विंग के समय हम ऐड करेंगे अदरक वगैरह के जूलियंस जो मैंने काट रखा है। हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। हम एक छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए इन्हेंस करने के लिए मिला देंगे, और इसमें हम डालेंगे अपनी कसूरी मेथी। और अब मैं स्विच ऑफ कर दूंगी अपनी, और धनिया डालकर हम इसे सर्व करेंगे। हमारा चीजी लौकी का कोफ्ता तैयार है, और मैंने इसे सर्व कर दिया है। जो मैंने फिल किया था उसे मैंने एक काट के भी इसे सर्व किया है, और बाकी कोफ्तों को मैंने ग्रेवी में सर्व किया काट कर। पहले कोफ्ते नहीं डाले हैं, पकते समय ग्रेवी उतार के थोड़ी ठंडी हो गई तब मैंने उसमें चीजी कोफ्ता कट करके डाला है, क्योंकि अगर ग्रेवी गर्म रहेगी तो पूरी जो इसमें चीज है पूरी तरह स्प्रेड करके फैल जाएगा ग्रेवी के अंदर, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर धनिया डाला है, जूलियंस कटे हुए जिंजर के, और जूलियंस में कटे हुए दो चार गाजर के टुकड़ों को सजाया है। इसके अंदर मैंने बेल पेपर यानी शिमला मिर्च की कटिंग भी करके डाली थी मसाले में। अगर आपको हमारे लौकी के चीजी कोफ्ते की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू। इसको बनाइएगा और खाइएगा जरूर।